इंसाफी की दीवार को तोड़ने। दीवार तोड़ने का समय नहीं, घर बसाने का समय है। तुम अंदर नहीं जा सकते। अच्छा चलो, छोड़ो मुझे। ये आपने क्या किया श्यामलाल जी? लक्ष्मी तो मुझसे शादी करना चाहती थी। जा जा, मैं अपनी बेटी की शादी तू जैसे भिखारी से करता? बाप हूं या कसाई? मोहन, तूने दुनिया देखी ही नहीं, जानता है दुनिया किस पर चलती है? दौलत पर। और दौलत कैसे हासिल होती है? ताकत से। और ताकत वाले के सामने सारी दुनिया झुकती है। लाख रुपए की बात कही है आपने, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। खामोश। छोड़ो मुझे। घबराओ नहीं, इसे जेल भेजवा कर ही रहेंगे। तो ये है तुम्हारी दुनिया जो दौलत पर चलती है और ताकत पर नाज करती है, इंसाफ का खून बहाती है और मोहब्बत का गला काटती है। अगर इसी दुनिया पर तुम्हें नाज है तो मुझे कसम है इस दुनिया की, मैं भी वो दौलत पैदा करूंगा, वो ताकत हासिल करूंगा कि मेरी दहशत के सामने सारी दुनिया झुक जाएगी। मारना मनुष्य का परम कर्तव्य होता है, अहिंसा परमो धर्म है। ड्राइवर, गाड़ी को पीछे कर लो भैया। तबाहियों का मुझे कोई गम नहीं, तूने किसी के साथ मोहब्बत निभा तो दी। जय जयकार महाराज। नमस्कार स्वामी जी, नमस्कार है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद आजम। गुड मॉर्निंग मास्टर। थैंक यू। नंबर एक उस्ताद आजम, वल्लाह 40 सेर सोना
से हासिल किया गया और पीर मुर्शद की मेहरबानी से बखैर ये तमाम जौहरी बाजार में पहुंचा दिया गया। वल्लाह, ओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तशक्कुर तशक्कुर अजीबुल्लाह नसीबुल्लाह। मरहबा मरहबा उस्ताद आजम, मरहबा। नंबर दो मीका है महाराज। ओ हो दीका है। महाराज नमस्ते। ए मसाले की पेटी। मसाले की पेटी की ती संदूक संदूक। ओ लेकिन कोई माल पानी लाए। बोल गए। करो निकालो जल्दी निकलता। जाओ जाओ। नंबर तीन क्यों बे पगले, ये सूरत कैसे बिगड़ी? क्या बताऊं उस्ताद, कल रात एक बंदी से झगड़ा हो गया। ओ। और जब मैं उसे पीटने को गया तो उसके पठान चौकीदार ने मुझे पीट डाला। ओ तो ये बात है, बड़े बेआबरू होकर उसी कूचे से तुम निकले। मैं लुट गई। करीमा अम्मा मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई बेटा। क्यों क्या हुआ अम्मा? मेरी किस्मत फूट गई। किस्मत फूट गई? ओहो तो इसमें रोने की क्या बात है, किस्मत के टुकड़े तो तुम्हारे पास है ना। उस्ताद को दे दो, एक मिनट में जोड़ देंगे। क्यों उस्ताद? हाँ हाँ आखिर बात क्या है बेटा? इसी महीने बच्ची की शादी तय की थी, जेवर बनाने के लिए मर मर के कुछ गिन्निया इकट्ठी की थी, कोई मुआ चुरा के ले गया। चुरा ले गया? और मेरे मोहल्ले से? हाँ बेटा। तो ये आग अपनों की लगाई मालूम होती है। किसने ये हरकत की? सत्य बोलता हूं जी, मैंने चोरी नहीं किया जी। मैंने भी कुछ नहीं किया उस्ताद। माय गॉड, हम चोरी गिरी नहीं करते होंगे। वल्लाह नहीं मालूम, लानत है चोरी करने वाले पर। नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं चोरी की ली, शपथ। खुदा रखे मोहल्ले में सभी अल्लाह वाले हैं। वाह वाह क्या सही फरमाया उस्ताद ने। पगले क्या हुआ उस्ताद? मालूम होता है पठान चौकीदार ने अच्छी तरह मुरम्मत नहीं की तेरी। समझा नहीं उस्ताद। नहीं समझा? ये यकायक आवाज कैसे बदल गई तेरी? जज़ाकअल्लाह, मेरी खोई हुई पूंजी मुझे मिल गई। ला हौल वला कुव्वत। सेम सेम। मिल गई गिन्निया अम्मा? हाँ बेटा मिल गई। अच्छा जा अम्मा, मैं तेरी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा। फूलो फलो बेटा, चांद से दुल्हन मिले, बच्चों से घर भरे। अपनी जिंदगी में ये लफड़ा कहाँ आने वाला है? ये किस गधे ने हमें डिस्टर्ब किया? तुम हो उस्ताद, माफ करना, कमबख्त जुबान काबू में नहीं रहती। बंसीधर जी, एक दिन थोड़ी सी तराश दी जाएगी तो खुद ब खुद काबू में आ जाएगी। यार भाई ये हाथ किस तरफ लिए जा रहे हो? अच्छा अच्छा मैं समझा, तो माल मसाला भी साथ ही लेकर आए हो। आओ ना आओ आओ।
जरा जल्दी। इस हफ्ते का हिसाब। जय जय लक्ष्मी माता। क्या तिजारत हो रही है, आदमी का बस चले तो भगवान को भी बेचते हैं। 10,500 है, गिन लो। क्या बात करते हो उस्ताद, गिने गिनाए, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। तो वो तुम्हारी कमीशन? वो तो खटाई से धुली पहले ही मिल जाती है। ठीक है ठीक है, हकदार हो। माफ करना जरा, ये क्यों? बॉस को टेलीफोन। क्यों नहीं क्यों नहीं, जरूर जरूर। हाँ मगर कायदे के मुताबिक तुम यही ठहरना। जी मैं हूँ बंसीधर, आपका गुलाम। मालूम है गुलाम हो, काम की बात करो। इस हफ्ते का माल मसाला सही सलामत पहुँच गया है। कहाँ तक पहुँचे? जी 10,500। सच कहते हो या झूठ? शिव 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 शिव, मैं झूठ क्यों बोलूँ? उस्ताद की कसम सामने ही खड़ा है, कहो तो टेलीफोन दे दूँ। क्या कहा, जरूरत नहीं है? मेरा हुक्म भूल जाते हो? सिवा तुम्हारे और कोई मुझसे बात नहीं कर सकता, हमेशा की तरह माल लेकर हाजिर हो जाना। बॉस ने टेलीफोन रख दिया, उन्हें मेरे सिवा और किसी पर भरोसा नहीं। बॉस अपनी शक्ल ही नहीं अपनी आवाज तक भी मुझसे छुपाना चाहता है, आखिर कब तक? मैं क्या जानू, बॉस की बातें बॉस ही जाने। खैर कोई बात नहीं, एक दिन ये हसरत भी निकल जाएगी। तुमसे नजरिया लागी, नजरिया लागी, संवरिया लागी रे। दम भर को पड़त नहीं चैना, लगे क्या नैना कि निंदिया भागी रे। लागी तुमसे नजरिया लागी, नजरिया लागी, संवरिया लागी रे। लागी तुमसे पूछ जिंदगी में ये
इश्क मगर कब कब आया लगी तुमसे नजरिया लागी नजरिया लागी सांवरिया लागी रे दम भर को पड़त नहीं चैना लगे क्या नैना कि निंदिया भागी रे लगी तुमसे गाली खान साहब हूं तो भूल ही गयो मारा ससुरो जी जयपुर वाण वाला हा मने स्टेशन जावना है खूब याद दिलाए लल्लू मस जी मेरी बेगम भी मैके से आई होगी चलो साथ ही चलें चलो मगर मेरा तो मामू खड़ा है सर पर बहुत चौका नाचे आपको जय राम जी घर की फिक्र न हो तो कौन कमबख्त उठे यहां से वाह वाह आपने तो मेरे दिल की बात कह दी बड़ा मजा आ गया आधा जी छोड़ो जी क्यों मैं तुम पे पांव पड़ गया क्या आश कई बार समझाया तुम्हारे साथ पब्लिक में मेल जोल रखना हम सबके लिए खतरनाक है समझ जाओ भाई हमारे सेठ साहब भगवान से नहीं पब्लिक से बहुत डरते हैं अरे भाई होटल में भगवान थोड़ी आते हैं पब्लिक आती है पब्लिक मगर तुम्हारे होटल में तो पब्लिक भी नहीं आती यही तो मुसीबत है उस्ताद अगर कहीं बलमा स्टेज पर आ जाए तो बस पब्लिक ही पब्लिक है तुम ही मना लो ना उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा क्या समझ रखा है बे दलाल के बच्चे यही तो मुसीबत है जरा जबान काबू में नहीं रहे भाई है। हाँ, हाँ, जान छूटी ऐसा चुटकू है मुआ ताले नहीं टलता था बड़े बुजदिलों से पाला पड़ा तुमको भी बलमा जवाने कसम एक बहादुर को भी अपनाया है बहादुर को अपना बनाना भारी पड़ेगा हर सितम उठा चुके हैं अब भी अपना न बने तो क्या बना लेंगे वो तो हम बन चुके जो बनना था उस तरफ जुल्फें सवारी जा रही हैं शान से और इस तरफ दुनिया परेशान हो गई ईमान से जवानी कसम इस तरह शेर सुना सुनाकर किसी दिन मार डालोगे हमें अरे तुम लोगों को नहीं मरना चाहिए अजी कौन रोने वाला बैठा है अरे पगली सैकड़ों दीवाने सर पे हाथ रख के रोएंगे तो जूरियों को बस हजमी हो जाएगी सारंगी के तार तबले की तरंग और शहनाई के सुर इन सब का क्या आशर होगा किसी की बारात जा रही है हाँ
पराए हमेशा के लिए खो रहे हैं। तुम क्या जानो बलमा, यही मंजर किसी की याद दिलाकर मेरे दिल पर बिजलियां गिरा रहा है। जिंदगी में भी यह समय आ जाएगा। आ चुका। क्या हो गया है तुम्हें? जिंदगी का कुछ अनोखे अंदाज याद आ गए। सुनो तो, कहां चले? तुम्हारी हर बात का जवाब देना पड़ेगा क्या? अगर मुनासिब समझो तो। जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। रो सकती हो हाँ? इसलिए कि तुम्हें रुलाना खूब आता है। रो कर ही सही बलमा, दिल के अरमान तो निकल जाते हैं तुम्हारे। कहा हमारे साथ मत खेला करो। क्यों नहीं मदन? मेरे पिताजी कहते हैं इसका बाप नहीं है। तुम्हारे पिताजी झूठ कहते हैं, मेरा बाप है। ठेंगा, अगर है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता? क्या कहा? चलो उनका टाइम हो गया।
क्यों बे, पागल हो गया था क्या? नदी में क्यों गया था तू? बॉल लेने के लिए। और डूब जाता तो अच्छा होता। अरे वाह, जमीन से तो निकला नहीं और आसमान पर जाना चाहता है, क्या बात है हा? ए, ए, कहाँ भागता है? एक झांपड़ दूंगा, दिन को तारे नजर आने लगेंगे। ये लो, अभी हाथ तो पड़ा नहीं और लगा छोकरी जरा रोने। चल बोल, क्या बात है? सब लोग पूछते तेरा डैडी कौन है, कहाँ है, और मुझे नहीं मालूम। सब मेरा स्कूल में मजाक उड़ाते हैं। तेरी माँ क्या कहती है? मेरी माँ कहती है जब तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी हो जाएगा तब तेरे डैडी तेरे घर आएंगे। कहती है तेरी माँ, मैंने उससे यही कहा था। तुम मेरे डैडी हो? हाँ, मैं तेरा डैडी। सचमुच? नहीं, तू मेरा डैडी है। डैडी। अच्छा डैडी। हाँ। मामी के पास चलूँ? देख, मेरे साथ जिद नहीं करना। हाँ, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, इसलिए तो मामी को छोड़ दिया ना। ये बात अब तू समझा। अच्छा डैडी, घर नहीं तो स्कूल तो चलो। स्कूल? हाँ, ताकि सब बच्चों को मालूम हो जाए कि तुम मेरे डैडी हो, नहीं तो सब मुझे परेशान करेंगे। तो चल, देखता हूँ कौन तुझे परेशान करता है। हाँ। कहाँ मर गया तू? ढक मारने गया था झक। ये बहादुर का बच्चा मैदान छोड़कर भाग गया, और बड़ी मुश्किल से तो पकड़ा हूँ इसे। थोड़ा समझकर क्या बैठा गया? ये कौन है डैडी? ये मेरा दोस्त है चंदू। चंदू? तब तो ये मेरा चाचा हो गया। ये चाचा के भतीजे? तू दरिया में क्या कर रहा था? तुझे किसी ने फेंका था कि तू खुदकुशी करना चाहता था? डैडी, डैडी? अरे हाँ हाँ, डैडी डैडी, इसका बाप। घबराने की कोई बात नहीं उस्ताद, जरा गाड़ी में बच्चे को घुमाएंगे, उसका भी दिल बहल जाएगा और स्कूल भी पहुंच जाएंगे, क्या ख्याल है? ले ताली। चलो 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 चल बेटा। शाबाश रे बेटा, मजा आ रहा है मुन्ना से? ये तांगा किसका? तुम्हारे बाप का। तुम तांगा चलाते हो? अबे मैं कोई तांगे वाला हूँ? तांगा तो ये चलाता है। तो तुम क्या काम करते हो डैडी? काम? बस मजे करता हूँ। ये बात है मुन्ना से। फूलों से दोस्ती है, कांटों से यारी है, ऐसे मजे की होए, ऐसे मजे की प्यारे जिंदगी हमारी है। फूलों से दोस्ती है, कांटों से यारी है, ऐसे मजे की प्यारे जिंदगी हमारी है। समझा खुशी को खुशी, गम को न गम, मौत के भी नाम से न घबराए हम।
समझा खुशी को खुशी गम को न गम मौत के भी नाम से न घबराए हम कश्ती सदा ही मझधार में उतारी है ऐसे मजे की हो ऐसे मजे की प्यारे जिंदगी हमारी है फूलों से दोस्ती है कांटों से यारी है ऐसे मजे की प्यारे जिंदगी हमारी है चाहे जमीन हो या हो आसमान कोकर में अपनी है दोनों जहान चाहे जमीन हो या हो आसमान कोकर में अपनी है दोनों जहान जितनी गुजारी इसी शान से गुजारी है ऐसे मजे की हो ऐसे मजे की प्यारे जिंदगी हमारी है फूलों से दोस्ती है कांटों से यारी है ऐसे मजे की प्यारे जिंदगी हमारी है अपनी खताओं पे भी नाज है जुदा सादी दुनिया से अंदाज है अपनी खताओं पे भी नाज है जुदा सादी दुनिया से अंदाज है पी भी नहीं है और फिर भी खुमार है ऐसे मजे की होए ऐसे मजे की प्यारे जिंदगी हमारी है फूलों से दोस्ती है कांटों से यारी है ऐसे मजे की प्यारे जिंदगी हमारी है क्यों क्यों मैं क्यों यहाँ बैठूं मैं अपना काम करके आता हूँ चलो खड़ा रहे यार मुसीबत में हम साथ और अभी अकेले में आऊँ काम कर चल चल बाजू आके खड़ा रहेगी खाऊं मैं तो आप हैं मनोहर के पिता जी अब तक आप कहाँ थे प्रदेश गया था ओ आई सी क्या चाहते हैं आप मैं अपना नाम रजिस्टर में दर्ज कराने आया हूँ ताकि मेरे बच्चे को आइंदा कोई तंग न करे मनोहर को तंग करता है कौन तुझे तंग करता है जी वो मदन सेठ बंसीधर जी का लड़का यस सर बंसीधर क्या हुआ आपको जी कुछ नहीं सिट डाउन प्लीज नाम लिखवाइए बांकेलाल बांकेलाल कहाँ रहते हो चौक बाजार के नुक्कड़ पर लोहार चाल अच्छा बिछुंगड़े मैं चला हाँ नमस्ते मास्टर नमस्ते क्या बे फिर कब मिलोगे हा? फिर कब मिलोगे जब तू दिल से याद करेगा अच्छा हा? तो कुछ नाश्ता पानी के लिए हा? दे दो ना नाश्ता पानी बड़ा चालाक है तू
मार डाला सारे। बांकेलाल जी, इस मासूम की जीवन नैया के आप खेवैया हैं। इसे चाहें आप भंवर में छोड़ दें, इसे चाहें आप पार लगा दें। जी, कुदरत ने आपके हाथ में एक रोशन चराग दिया है। इसकी रोशनी से आपका घर जगमगा सकता है, और अगर ये भड़क जाए तो आग भी लग सकती है। इसकी जिम्मेदारी बच्चे की माँ बच्चे के बाप पर बराबर बराबर है। समझा। नमस्ते। बच्चे की माँ, ये कहाँ नया लफड़ा गले डाल रहे हो भाई? ठहरो ठहरो ठहरो, मिठाई तो सबको दे रहा हूँ, लेकिन पैसे कौन देगा? और कौन? हमारा दोस्त मनोज देगा। मैं दूंगा, ये लो। खबरदार, मनोहर के पैसे की मिठाई कोई न खाए। क्यों न खाए? इसके बाप ने मास्टर जी से मेरी शिकायत की है। अच्छा किया। तुमने क्यों झूठ कहा था कि मनोहर का बाप नहीं है? मनोहर आज से हम सब तेरे दोस्त हैं। भैया जी। हाँ? इन सबको मिठाई खिला दो। अच्छा। अरे यार, इसी दिन अपने डैडी से तो मिला दिया। मैं मिला दूंगा यार, मिला दूंगा। ना जाने मेरे डैडी कहाँ होंगे। एक देसी पूना पान बनाओ। सब ठीक होता उस्ताद, पर पिछली बाटले बिल्कुल बेकार निकली। पीने वाले गंगा घाट की टिकट निकालते निकालते बच गए। हम लोग क्यों नहीं चले गए? शराब पीते हैं, भगवान की दी हुई नेमत दूध क्यों नहीं पीते? समझते हैं अपने आप को? अरे कोई बात नहीं दादू। ए उस्ताद, अपने आप को कुछ नहीं समझते, वो दूध है ना, दूध में जरा जोश आ गया। अच्छा। मैं अभी इसका जोश ठंडा कर देता हूँ। दादू दादू, उस्ताद छोड़ दो। नारायण नारायण। अरे भाई क्यों झगड़ रहे हो? खून बहाना पाप है, शास्त्रों में लिखा है कि अहिंसा परमो धर्म है। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। अरे तुलसी दयान छाड़िए, जब लग घट में प्राण। अरे क्या कर रही है भैया? तो लड़ना वड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, तो फिर मेरे को याद रखना है। जय राम जी की जय। राम मुन्ना सेठ, मेरे पास वक्त नहीं है दादू, तुम्हारा सितारा बहुत अच्छा है। वरना मैं भी तुम्हें दिन में तारे दिखा देता। जब जिंदगी से जी भर जाए तो बांके लाल को याद कर लेना, समझे? चलो चंदू। चलो। ए मुन्ना। हाय मुन्ना सेठ। क्यों बे, तू यहाँ गांडा बक पड़ा? मैंने तुम्हें दिल से याद किया, तुम टपक पड़े। क्यों चंदू चाचा? ताली। अरे उस्ताद, अम्मा करीमन की दुआ भगवान ने आठ आने मान ली। दुल्हन गायब, बच्चा हाजिर। खामो चंदो, दुआ झापड़। क्यों जनाब, आप मेरा पीछा कब छोड़ेंगे? कमाल करते हो, डैडी का भी कोई पीछा छोड़ता है? शाबाश। अरे तू तो बहुत होशियार है मुन्ना सेठ। ये उस्ताद, ये तो तुम्हारा नाम रोशन करेगा। कुदरत ने आपके हाथ में एक रोशन चराग दिया है। इसकी रोशनी से आपका घर जगमगा सकता है, और अगर ये भड़क जाए तो आग भी लग सकती है। अच्छा मुन्ने, चलो। देख चंदू, मुन्ने को जो कुछ चाहिए इसे दिलवा के इसे घर पहुंचा देना। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मगर डैडी, मेरी बात तो सुनो। अरे छोड़ डैडी को। अस्ति अस्ति मुन्ना सेठ, शाबाश शाबाश मुन्ना सेठ। आई शाबाश शाबाश। मुन्ना सेठ,
अच्छा है कि तेरे डैडी का नाम शहर में है, हाँ? नहीं तो अपना जेब कब से खाली हो गया था बाप। चंदू चाचा, चोरी चोरी चलना। अच्छा, चोरी चोरी चलना क्यों? क्या ये सबूरी का माल है? अरे ये तेरे बाप का माल है, घबरा मत। वो तो मुझे भी मालूम है, तुम नहीं समझते। क्यों भाई, मैं क्यों नहीं समझता हूँ? अच्छा तू ही समझा देना भाई। जब मम्मी हमें अचानक देखेगी तो दंग रह जाएगी। दंग रह जाएगी? हाँ। ये बात है? अच्छा हाँ। हाथ नहीं है खाली भाई, हाथ नहीं है खाली। अच्छा चलो। अरे आंखें नहीं है क्या, दिखाई नहीं देता? ये शरीफों का मोहल्ला है। ये मुन्ना सेठ, ये कौन है रे? ये तो बहुत ही गर्म है बाबा। ये तो तारा चाची है, तारा चाची। तारा चाची? असली है कि नकली चाची है? पड़ोसन है चाची। कोई बात नहीं, आती। अरे चाची ऐसी बहुत मिलती है, चल चल चल। वो चाची लोग को देखा। ये मोती
पूछती हूँ ये सब क्या है, कहाँ से लाया है ये? कहाँ से लाता? बाजार से, चंदू चाचा के साथ। चंदू चाचा? हाँ, यानी कि डैडी के भाई। डैडी? हाँ डैडी, यानी बापू, यानी मेरे उस्ताद। अरे माँ, क्या रुबाब है मेरे डैडी का, प्यारा प्यारा मुखड़ा, छोटे छोटे मूछे और बड़े बड़े कंधे। माँ तुम सच कहती थी कि मैं जब पढ़ लिख के बड़ा हो जाऊंगा तब डैडी घर आ जाएंगे। अरे मुन्ना सर जरा इधर आना तो। हाँ? मुन्ना सर तुम अपनी शक्ल तो देखो जरा आईने में, कितनी मैली हो गई है। जाओ मुंह हाथ धो लो और कपड़े भी बदल लो। अच्छा ला दे ताली। ले ताली। भाई साहब ये सब क्या हो रहा है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसमें समझने की कोई बात नहीं, बच्चे लोग फुटबॉल खेल रहे थे और वो बॉल कहीं पानी में गिर गया और मुन्ना सेठ बॉल निकालते निकालते पानी में डूब रहे थे। हे भगवान। घबरा नहीं, कोई बात नहीं, उस्ताद ने मौके पर फट से बचा लिया उसे। और कारण जाने पे कह दिया कि मैं तेरा बाप हूँ। बाप? और कहलाया है कि सही बात बच्चे को मालूम न होने पाए। क्या दुनिया में ऐसे भी इंसान हैं? अगर न हो तो दुनिया आज ही खत्म हो जाए बहन जी। क्या नाम है उनका? नाम? उनका नाम मुन्ना कितना खुश है। मैं पूछती हूँ क्या नाम है उनका? जी नाम बांकेलाल है। अच्छा नमस्ते, मैं चलूँ। नमस्ते। तुम्हारी लीला भी अजीब है भगवान, किस किस रूप में नजर आती हो तुम। लक्ष्मी तारा, आज तो भगवान ने मेरी डूबती हुई नैया को बचा लिया। जानती है क्या हुआ? पहले तू ये बता, तू जानती है जो अभी अभी तेरे यहां से गया है वो कौन था? अरे वो, उसका नाम है चंदू और उसके उस्ताद का नाम है बांकेलाल। और उसी लक्ष्मी तो जगह जगह बदनामी की ठोकरें खाती रही है और अब यहाँ आए हुए भी ज्यादा दिन नहीं गुजरे और अब तो अपने बच्चे को भी आवारा आदमियों की संगत में छोड़ देना चाहती है। ये तुम क्या कह रही हो? कौन नहीं जानता बांकेलाल एक गुंडा और आवारा है, और जो अभी भी तेरे यहाँ से गया है वो उसी का साथी है। समझ सो इससे काम ले लक्ष्मी, वरना बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी समझ में नहीं आता इंस्पेक्टर साहब, हम लोग बांकेलाल के मकान पर छापा क्यों नहीं मारते? इसलिए ऐसा करने से बांकेलाल की आड़ में जो खतरनाक गुंडा छुपा हुआ है वो कहीं हाथ से ना निकल जाए। कौन, बंसीधर? नहीं वहीद खां, बंसीधर भी एक और शाही चोर का गुलाम है। वो कौन सी हस्ती है यही तो मैं जानना चाहता हूँ। लो हेडमास्टर जी, स्कूल फंड के लिए हमारी तरफ से एक मामूली सी सेवा है। 1000 रुपया। सुभान अल्लाह सेठ जी, आप धन है। देखा मौलाना साहब, मैंने कहा था ना कि सेठ जी बड़े दानवीर हैं। अल्लाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। काई बात है रोजी। एक्सक्यूज मी है। हेलो हेलो, व्हाट इज योर नेम? ओह लक्ष्मीचंद जी। बहुत दिनों के बाद याद किया आपने तो, क्या बात है, भूल ही गए हमको? हैं? ना ना जी, हमारा ऐसा ख्याल नहीं। हाँ कल मिलिए, कल मिलिए। अच्छा जय राम जी की, जय राम जी की। अरे भाई तुम लोग उधर खड़े खड़े क्या कान्ना फूंसी कर रहे हो, कुछ हमको भी बताओ, आखिर बात क्या है? जी कुछ नहीं, कुछ नहीं, बात ये है सेठ जी,
कि हम लोग अनाथ आश्रम के लिए एक इमारत बनाना चाहते हैं। ये तो बड़े धर्म का काम है जी। और हमने जमीन भी खरीद ली। अच्छा। और हमने कमेटी भी मुकर्रर की है। और अगर आप इस कमेटी के चेयरमैन बनना कबूल फरमाए तो हमें चंदा जमा करना आसान हो जाएगा। बेशक बेशक। अरे पर भाई इतना बड़ा बोझ मैं संभाल भी सकूंगा कि नहीं? सर जी हम आप हां कह दीजिए। मान जाइए। अच्छा अच्छा, बड़े अच्छे हैं। कबीरा जब तू जन्मियो जगह से तू रोए, अब ऐसी करनी कर चलो तू असे जग रोए। अरे नटवर, ओ नटवर श्याम आओ रे भाई। क्या है? वो देख अपने ड्राइवर से बोल कि इन साबान को जहाँ जाना हो वहाँ छोड़। अच्छा। हाँ इन्हीं साबान। अच्छा। ये जब बच्चा था तभी इसकी माँ का स्वर्गवास हो गया था। इतना ना समझ है कि मेरी तबीयत इसको कहीं भेजने की नहीं करती। वाह वाह सर जी, दयालु हो तो ऐसा। जवाब नहीं, जवाब नहीं। धन्य है सर जी। वाह वाह। अच्छा प्रभु नमस्ते। नमस्ते जी। अरे सुनी सुनी। क्या है? अरे देख भाई, पूजा का समय हो गया है, रोज की तरह मेरी पूजा में कोई दखल देने नहीं पावे। हैं? ध्यान रखना। जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे, भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। दरवाजा बंद कर लो। कितने लाए? अब के तो पूरा 20,000 लाया। गुड, वेरी गुड। बांके लाल पर अच्छा रूप जमा रखा है तुमने। अजी क्या कहने, वो तो मेरे इशारों पर नाचता है। ओह वेल वेल। हाँ तो बंसीधर जी, तुम तो स्टेज पर बलमा खुलाने वाले थे ना? जी हाँ, इसमें क्या शक। तो कहाँ तक पहुँचे? अजी क्या बताऊँ, ये बांके लाल का बच्चा थोड़ा सा भी साथ दे देता तो हमारा काम यूं बन जाता। लेकिन मैंने जब भी उसे इस काम के लिए कहा है, उस कमबख्त का हाथ फौरन चाकू पर जाता है और तुम्हें पसीना आ जाता है। जी अजी मेरी बात तो छोड़िए, मैं कहता हूँ आपके भी छक्के छूट जाएं। क्या वक्त हो, माफ कीजिए माफ कीजिए, कमबख्त जबान काबू में नहीं रहती।
बहुत खुश नजर आ रही हो। मैं जानता हूँ डैडी जो मिल गए हैं। बस बस, जब देखो डैडी डैडी ये सुनते सुनते तो मेरे कान पक गए हैं। देखो अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान रखो वरना इम्तिहान में फेल हो जाओगे। अरे मम्मी अब तो मैं फर्स्ट क्लास में पास हो जाऊंगा। मम्मी ओ मम्मी, मेरा बाप बड़ा दीवाना। लक्ष्मी सोच समझ कर काम देना वरना बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नमस्ते, आप यहाँ? मुझे बुला लेती आप? मैं बांकेलाल जी से मिलने आई। वो तो है नहीं यहाँ, कहो मैं कोई काम आ सकता हूँ? शुक्रिया, उन्होंने मेरे मुन्ने के लिए जो कुछ भी किया है मैं उसका बदला नहीं चुका। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मगर एक बात उनसे कह देना कि अब वो मेरे मुन्ने से कभी ना मिला करें। ये कैसे हो सकता है, मुन्ना सेठ ने उनके दिल पर ऐसा कब्जा कर लिया है कि मैं आपको क्या बताऊं। फिर भी मैं बच्चे की माँ हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे पर उनकी किसी की संगत का बुरा असर पड़े। समझा। नमस्ते। नमस्ते। मेरी चंदा रानी, तू इस घाट का रास्ता दिखा दे। बैठ जा। कहाँ हुआ? अरे क्या बताऊँ, देसी साबुन से कपड़े धुले हुए की कसम खा के कहता हूँ कि मैं बड़ी मुसीबत में आ गया हूँ। कहाँ बकबक करते हो जी? अरे मैं ये बकबक करता हूँ, अगर उस्ताद को बात बता दिया तो उस्ताद का दिल बैठ जावा, अगर नहीं बताया तो मैं बैठ जावा। मेरी बात मानो तो जबान को कांजी लगा रखो जी। हाँ? वो क्यों जी? जब तुम मुंह खोले तो हो बिल्कुल पागल लगते हो जी। एक चुप सौ सुख। अरे चंदा तू कितनी अच्छी है। भगवान कसम अब मैं जबान नहीं खोलूंगा, बंद रखूंगा, उस्ताद का भी उस्ताद बन के रहूंगा। हे भगवान, अगर मेरे दोस्तों को धोबन दे तो ऐसी दे, कितनी अच्छी धोबन है। मैंने कहा था ना मैं डैडी को मिलने जरूर आऊंगा। लो आ गया। सो आ तो गए, लेकिन अरे मुन्ना से नोटिस तो दिया होता। नोटिस? हाँ। नोटिस देता तुम मुझे डैडी यहाँ आने देते थे? ये तो गड़बड़ है। चलो फिर बातें मत कर। सुनो सुनो, अरे अरे ओह चंदू चाचा, डैडी तो यहाँ पे है नहीं, तू ये सब कौन है? ये ओह ये तो डैडी के दोस्त है बेटे। दोस्त? ओ आई सी, डैडी के दोस्त तो मेरे दोस्त। हाँ। नमस्ते 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 अश्ली। नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग चंदू। चंदू चाचा। हाँ। ये भी डैडी के दोस्त है क्या? ओ ये चंदा है और चंदू इसका बंदा है। कहाँ बोला था? अरे मेरा बाप सुने तो पटक पटक के धो डालेगा तुझे। एक बात कह देता हूँ। कहो। मुझे शादी में नहीं भूलना। दे ताली। ले ताली। अरे चंदू चाचा, इन लोग भी कुछ काम करते कि डैडी की तरह मजे ही करते रहते। अरे वाह क्या बात करते हो तुम, अरे ये लोग भी बड़े बड़े काम करते हैं। क्यों भाई, ठीक है ना? आई सी, आप क्या काम करते हैं? मी 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 म
काटता? काटता हूँ, काटता हूँ। क्या काटते हो? काटा का अब लोग बुशकोट ये कटर है, कटर ये ने कपड़े काटता है, टेलर होते ना टेलर, कोट पटलून बनाते ये। आप इधर आइए। आप क्या काम करते हैं? मैं मकानों के पाइपों पर चढ़ता हूँ, उतरता हूँ, चढ़ता हूँ, उतरता हूँ। ये नहीं ये प्लम्बर है, प्लम्बर है ना, ये नहीं, किसी के पानी का नल खराब हो जाता ना तो ये ठीक कर देते हैं। समझे ना? लाला जी आप क्या काम करते हैं? वल्लाह उम्र दराज हो बेटा, मैं इधर का माल उधर और उधर का माल इधर करता हूँ बरखुरदार। चंदू चाचा जी। हाँ बोलो मुन्ना सेठ। ये क्या इधर का माल उधर, उधर का माल इधर का? मुन्ना सेठ ये इधर का माल उधर, उधर का माल बैठी तुम जो चाहो तो मेरे दर्द का दरमान हो जाए। अब क्या करेगा? अरे मेरे पीछे उस्ताद। ये सब क्या है? क्या होलिया बना रखे हैं तुम लोगों ने? घर है या सर्कस? क्यों बे चंदू के बच्चे? अजी क्या तकलीफ है तुम्हें? मुझे मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। तो फिर सीधा खड़ा रहे। सीधा तो खड़ा हूँ। अरे ये तो खुशी की बात हो गई। अरे मुन्ने के बच्चे तू यहाँ भी टपक पड़ा? तो क्या करता, तुम तो मुझे बुलाते नहीं। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, मुझे बनना ही पड़ा। ओहो छोटा मुंह और बड़ी बात करना खूब जानता है तू। हाँ डैडी तुम्हारे दोस्त लोग तो बड़े अच्छे हैं। ओ क्यों ना हो, मेरे दोस्त है ना। अच्छा मुन्ने बेटे अब तू घर जा। हाँ क्यों, अभी अभी तो आया हूँ। अरे यार मैं तुम्हें फिर बुला लूंगा। अच्छा चंदू चाचा के शादी में? ओ हाँ 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 शादी में। चंदा मुन्ने को बाहर छोड़ा। क्यों बे शादी का प्रोग्राम और मुझे पता ही नहीं? शादी चलो भाई अपनी अपनी असलियत पे आ जाओ, वक्त कम सी है, काम बहुत है। कब से तेरी राह देख रही हूँ, कहाँ गया था रे? कहाँ गया था? डैडी के मकान पर। मैंने तुझसे कहा था ना कि उनका ख्याल छोड़ दे। ख्याल छोड़ दूँ डैडी का? ये कैसे हो सकता है मम्मी? देख मनोहर मैं तुझसे कह देती हूँ अब उनसे कभी मत मिलना। क्यों नहीं मिलूं माँ, क्यों नहीं मिलूं? बस बड़ों के मुंह लगता है, मैं तुझसे जो कहूँ वही करना होगा। मैं तेरी माँ हूँ माँ, अगर तू डैडी से जाकर मिला तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी बात नहीं करूंगी। तो फिर तू रोती क्यों है माँ? अगर तुझे नहीं पसंद है तो मैं कभी नहीं बात करूंगी डैडी से, कभी नहीं बात करूंगी। उस मासूम नजर से किसी तरह पना नहीं मिलती, जितना भूलना चाहता हूँ और याद आता है मुन्ना। अपनी कसम तुम भी किस किस रूप में नजर आते हो, कभी भगवान और कभी शैतान। नहीं मजबूरियों में उलझा हुआ एक इंसान फिर भी इतना मजबूत कि समंदर का तूफान
और कभी इतना कमजोर कि एक हल्की सी लहर जिसको एक बच्चे की मोहब्बत ने अपनी गोद में छुपा लिया। जालिम ने दीवाना बना दिया है मुझे। जो बलमा ना कर सके वो मुन्ने ने कर दिया। क्या दिल पे जादू? मासूम नजर का भोलापन ललचा के लुभाना क्या जाने। दिल आप निशाना बनता है वो तीर चलाना क्या जाने। माचिस साहब, माचिस साहब, माचिस माचिस राय या कोई भी नहीं रहा भैया। सो रहा चक्का भैया ये माची चाहिए उस्ताद। तुम दादू का पीछा करो। बार बार मेरे दिल
दिल में आके बैठे हैं, कुछ इस तरह वो मेरे पास आके बैठे हैं। इस तरह वो मेरे पास आके बैठे हैं। इस तरह वो मेरे पास आके बैठे हैं कि जैसे आग से दामन बचा के बैठे हैं। कुछ इस तरह वो मेरे पास आके बैठे हैं। वाकई खूब नाचती हो बलमा। इंस्पेक्टर साहब आप? हाँ आना पड़ा, बाकी लाल की तलाश में। यहाँ तो नहीं आया? नहीं तो, अगर शक हो तो देख लीजिए। माफ कीजिएगा, मेरा दिल ठिकाना नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, आखिर हुआ क्या? खास तो कुछ नहीं। बाजार में गुंडे आपस में लड़ रहे थे, मैंने देखा दादू बाकेलाल को मार रहा था। हे भगवान! मगर पुलिस को देखते ही भाग गया। कहीं उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? ज्यादा चोट आई होती तो मुझसे बच के भाग नहीं सकता था। लेकिन आपने कैसे जाना कि वो यहाँ आए हैं? मैं बाजार से उसका यहाँ तक पीछा करता आया, लेकिन तुम्हारे मकान के सामने आते ही वो मेरी नजरों से गायब हो गया। खैर, नमस्ते। नमस्ते। बाकी, हे भगवान, ये क्या?
कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई? तेरी नजर के सैकड़ों तीर खाए तो कभी ना पूछा, जरा से चाकू लग गया तो बेताब हो गई। न जाने कब इस खतरनाक जिंदगी से बाहर आओगे। जिस दिन जान पर खेल जाने की तमन्ना पूरी हो, भगवान न करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जी सकूंगी। अरे पगली, अब मुझे क्या होने वाला है? छोड़ दो मुझे, अगर तुम्हें मेरा जरा सा भी ख्याल होता तो तुम इस आवारा जिंदगी से बाज ना आ जाते। अरे सुनो तो। छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे। क्या हो गया तुम्हें, कहां देख रही हो? मेरी निगाहें अब तक उस मंजर को गौर से तक रही हैं जब सड़क पर किसी की बारात जा रही थी और तुम बारात पर नजर जमाए न जाने कहां से कहां चले गए थे। मैं शरीफों भरी दुनिया में अपनी लूटी हुई शराफत ढूंढ रहा था जो एक बार लुट कर किसी तरह वापस ना सके। बलमा, आज मैं तुझे अपनी जलती कहानी सुनाई दूं जो जिगर के खून से रंगीन बनाई गई है। मेरी जिंदगी में सिर्फ दो औरतें आईं, एक तू है और दूसरी रूह में बसकर चली गई। ये रात ये हवा
एक साथ आज दो दिल धड़केंगे दिलरुबा, तुम सुन सही जहां ये रात ये हवा। ऐसा लगता है लक्ष्मी जैसे तुम मेरी रूह में बस गई हो। शहर जाने से पहले बेकार बातें करना खूब सीख गए हो। बेकार था, अब तो मिल में नौकरी करने जा रहा हूँ। जैसे कि मिल के बड़े मैनेजर बनकर आओगे। एक दिन मिल का मालिक बनकर रहूंगा। हाँ, क्या समझती हो मुझे? मेरे समझने से क्या होता है, पिताजी तुम्हें क्या समझते हैं पहले वो सोचो। देखो, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है, अब कौन छुड़ा सकता है इसे? जवाब दो। जवाब मुझसे नहीं, पिताजी से पूछिए। तो बस वापस आते ही तुम्हारे पिताजी से शादी की बातचीत करूंगा। हाँ, मोहन, अगर तुम जल्दी वापस ना आए तो मैं रुक जाऊंगी। और अगर आ गया तो? छुप जाऊंगी। जब मैं वापस लौटा कहां जाते हो? बेइंसाफी की दीवार को तोड़ने। दीवार तोड़ने का समय नहीं, घर बताने का समय है। तुम अंदर नहीं जाते। अच्छा, चला चला मुझे। ये आपने क्या किया श्यामलाल जी? लक्ष्मी तो मुझसे शादी करना चाहती थी। जा जा, मैं अपनी बेटी की शादी तुझ जैसे भिखारी से करता? बाप हूं या कसाई? लाख रुपए की बात कही है आपने, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। खामोश। और इस तरह मोहन मर गया और बांकेलाल जिंदा हो गया। अभी चैन से बैठने भी ना पाया था कि किस्मत ने एक और मासूम मुस्कुराहट से टकरा दिया। मुन्ना? हाँ बलमा, मैं मुन्ने को सीने से लगाना चाहता हूं लेकिन मेरा दिल मुझको रोकता है। मैं मुन्ने को भूल जाना चाहता हूँ बलमा, हमेशा के लिए भूल जाना चाहता हूँ, बिल्कुल भूल जाना चाहता हूँ। कुछ भूल सकते हो लेकिन दूसरे तुम्हें किस तरह भुला सकेंगे ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा। बलमा, तुम औरत नहीं, औरत के रूप में देवी हो। उस्ताद, मैं ये पूछता हूं कि जब पुलिस आई तो तुम धुमधड़ा के क्यों भाग गए? क्या कहा बे? मेरा मतलब ये है कि मैं भी तो वहीं मौजूद था, बाबूलाल जैसे मुझे मारने आया मैंने हिम्मत बांधकर वहां से भागा। अरे भागते ही पुलिस को सीटी बजा दी और पुलिस साहब तशरीफ ले आए। उस्ताद, पुलिस आते ही मैंने कह दिया कि हमने मारपीट नहीं शुरू की, ये बदमाश दादू ने मारपीट। ओ चंदू के बच्चे, शाम आइए। आस्ते आस्ते उस्ताद, हाथ में फिर दर्द आ जाएगा। उस्ताद, उस्ताद माफ कर दो उस्ताद, गलती हो गई, तुम्हारा ही चेला हूँ, बदला निकालो, लो मारो मारो मारो। सात बरस जियो बेटा। कोने में मुंह मीठा करने के लिए आज तेरी बहन ने सेवैया भेजी। हाँ सेवैया? माँ, सेवैया तो मैं खाऊंगा, उस्ताद की तबीयत ठीक नहीं, वो खा नहीं सकेंगे आज। क्या हुआ मेरे बेटे, ये किस कमीने के हाथ टूट गए, खुदा उससे गारत करे। कुछ नहीं हुआ अम्मा, ये चंदू का बच्चा तो बात का बतंगड़ बना देता है। हाँ ये बता, शादी का दिन तय होगा? हाँ बेटा, दूल्हा वालों ने रजब की 10 तारीख मुकर्रर की है। फिर तो शादी का दिन बहुत करीब आ गया। अम्मा बस बिस्मिल्लाह कर दे। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर बिस्मिल्लाह कर दो, अब पड़ो ने कहा है कि चट मंगनी न पट भी आ। देख बे चंदू, हाँ? अम्मा की बेटी की शादी है, जरूर, इसलिए शादी निहायत धूमधाम से होनी चाहिए। होनी चाहिए। शानदार लाइट्स, हाँ। शानदार शामियाने, हाँ। लजीज खाने, नाच
गाने और कव्वाली होनी चाहिए। अरे उस्ताद, और फिर दावतें, सबको दावतें होनी चाहिए। मैं अपनी चंदा रानी को दावत दूंगा, फिर आपकी वो बस। देख बे चंदू, मुन्ने को भी दावत देनी होगी। जरूर जरूर, मुन्ने को भी देंगे। इसलिए मुन्ने की माँ के पास जाना। जरूर जाऊंगा। नहीं, मुन्ने की माँ के पास मैं क्यों जाऊं? नहीं जाएगा, जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। मुन्ना, नमस्ते जी। नमस्ते। मुन्ना है जी? आता ही होगा, क्या चाहते हो? जी मैं कुछ नहीं चाहता, उस्ताद चाहते हैं। अम्मा करीमन की बेटी की शादी है ना, वो चाहते हैं कि मुन्ना भी शादी में आ जाए। लेकिन उन्हें तो मालूम है कि मैं अपने बच्चे को उनसे दूर रखना चाहती हूँ। यही तो मुसीबत है, मैंने उनसे कहा ही नहीं। तो अब जाकर कह दो। कैसे कहूँ, आप उस्ताद को नहीं जानते, वो मेरी गर्दन उड़ा देंगे, वो बहुत गुस्से वाले हैं। अगर ये आप जानती कि अरे मनु सेठ, तुम क्यों यहाँ आए? अरे तुम भी वही सवाल पूछते हो। अरे तुम्हारे डैडी ने बुलाया है। डैडी का नाम मत लो। हाँ, क्यों? हाँ, मैं उसे भूल जाना चाहता हूँ। क्या? हाँ, माँ ने मना किया है। माँ, मैं कभी नहीं भूलूंगा, मैं कभी नहीं मिलूंगा डैडी से, कभी नहीं मिलूंगा, मम्मी कभी नहीं मिलूंगा। चंदू चाचा तुम चले जाओ, माँ को अच्छा नहीं लगता। मैं डैडी से कभी नहीं मिलूंगा, चंदू चाचा मैं डैडी से कभी नहीं मिलूंगा, माँ को अच्छा नहीं लगता, मम्मी कभी नहीं मिलूंगा, माँ मैं कभी नहीं जाऊंगा। मनोहर, डैडी ने तुझे कल रात घर बुलाया है। बुलाने दो, तुम्हें पसंद नहीं है माँ, तुम्हें डैडी के पास कभी नहीं जाऊंगा। मैंने तेरे चंदू चाचा से हाँ कह दी है। हाँ कह दी है? तुम सच कहती हो माँ? हाँ, कल इनके यहाँ शादी है। हाँ मुन्ना सेठ, कल हमारे यहाँ शादी है। अरे अच्छे अच्छे खाने हैं, अच्छा अच्छा नाच है, अच्छा अच्छा डांस है, अच्छा अच्छा गाना है। हमारा मुन्नू सेठ कल शादी में आएगा, अच्छा अच्छा खाना खाएगा। मुन्ना सेठ, देख ताली। आओ मोहम्मद अली मोहन, सुरेश आओ आओ, एक नया खेल खेले, आओ 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 आओ। मनोहर तुम भी आ जाओ। अब बताओ तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? मेरे पिताजी वकील हैं। तुम्हारे? मेरे पिताजी बड़े इंजीनियर हैं। तुम्हारे? मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। और तुम्हारे? हमारी दुकान है। और हमारा सबसे बड़ा होटल है। और मनोहर मेरे डैडी क्या करते हैं? मेरे डैडी बस मजे करते हैं। अरे मजे करना भी कोई काम है? अरे काम क्या करते हैं? काम तो मुझे मालूम नहीं। मुझे मालूम है। क्या मालूम है? मनोहर का डैडी सबसे बड़ा गुंडा है। अरे मारे बाप्पा, तुम झूठ कहते हो, मेरे डैडी अच्छे हैं। तुम्हारा डैडी गुंडा। मेरे पाप को गुंडा कहता है। देखो मैंने ठीक कहा था ना, गुंडे का बेटा गुंडे की तरह मारपीट करता है।
दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस ओ गदा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। जो बिजलियों की शाख पे बना ले आशियाना, जो बिजलियों की शाख पे बना ले आशियाना, उसी की है ये जिंदगी उसी का है जमाना, जिंदगी उसी का है जमाना। जो बिजलियों की शाख पे बना ले आशियाना, उसी की है ये जिंदगी उसी का है जमाना। जो बिजलियों की शाख पे बना ले आशियाना, जो बिजलियों की शाख पे बना ले आशियाना। किसी को फख्र जमाने में शराफत का, गरूर सर में किसी के है मालो दौलत का, किसी को फख्र जमाने में है शराफत का, किसी को फख्र जमाने में है शराफत का, गरूर सर में किसी के है मालो दौलत का है, मर्द मर्द मैदा है आज से हो नाज फकत बाजुओं की ताकत का। वो आदमी है आदमी वो मर्द है यगाना, वो आदमी है आदमी वो मर्द है यगाना, उसी की है ये जिंदगी उसी का है जमाना, उसी की है ये जिंदगी उसी का है जमाना, उसी की है ये जिंदगी उसी का है जमाना, उसी का है कि जिसका कोई जवाब न हो, गुनाह करे तो गुनाहों का फिर हिसाब न हो, अदा हो ऐसी कि जिसका कोई जवाब न हो, अदा हो ऐसी कि जिसका कोई जवाब न हो, गुनाह करे तो गुनाहों का फिर हिसाब न हो, गुनाह करे तो गुनाहों का फिर हिसाब न हो। जो अपनी जात पे हो आदमी को पूरा यकीन, हाँ तो क्या मजाल के कदमों में आप ताब न हो, मजा है आशिकी का जब अदा हो आशिकाना, मजा है आशिकी का जब अदा हो आशिकाना, उसी की है ये जिंदगी उसी का है जमाना, उसी की है ये जिंदगी उसी का है जमाना, उसी की है ये जिंदगी उसी का है जमाना।
फैज की है तमन्ना तो सीख पयाली, जो फैज की है तमन्ना तो सीख पयाली, के फैज से नहीं बढ़कर बड़ा कोई काजी, के फैज से नहीं बढ़कर बड़ा कोई काजी। खल्क है खुश तो खुदा भी है राजी, करम तो कर मगर तेरा करम होगा इबाना, करम तो कर मगर तेरा करम होगा इबाना, उसी की है ये जिंदगी उसी का है जमाना, उसी की है ये जिंदगी उसी का है जमाना, उसी की है ये जिंदगी उसी का है। बिजलियों की शाख पे बना ले आशियाना, तो बच्चे लोग सच कहते हैं कि तुम गुंडे हो, बना ले आशियाना उसी की है ये जिंदगी। क्या कहा? तुम गुंडे हो डैडी, फिर बोल, तुम गुंडे हो डैडी, तुम गुंडे हो डैडी, ठंडा हो गया। खामोश। उसने सबके सामने मुझे गुंडा कहा, कल का छोकरा गांव भर की इज्जत का ठेकेदार बना फिरता है। अगर उसके दिल में मेरे लिए जरा भी इज्जत है, प्यार है, तो वो खुदा कर मुझसे माफी मांगेगा। मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। चलो तो मैं जाता हूं। हे, कहां जाता है बे? हे उस्ताद, आपके लिए सवा सेर दूध बाजार से लेने जा रहा हूं। मैंने कहा जरा मुंह धो के बैठे रहना जब तक मुन्ना सेठ तशरीफ ले आए। मास्टर मास्टर बोले, मास्टर मास्टर एक बहुत अच्छा धंधा हाथ आया रे, सुनेगा तो हैप्पी हो जाएगा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता मास्टर, व्हाट नॉनसेंस। नमस्कार ना साने जी, नमस्कार। ये बहुत बड़ा फायदा वाला स्कीम हाथ में आया जी, वो हमारा चचा रहे ना जी। चल भाग जा, चटियार का बच्चा। अरे बाप रे, उस्ताद भयंकर तापले, पड़ा पड़ा भागो। Thank you.
गुंडे क्यों हो डैडी? तुम गुंडे क्यों हो? तुम काम क्यों नहीं करते डैडी? तुम गुंडे क्यों हो? मैं नहीं तुम्हें गुंडा कहता हूँ डैडी, सब तुम्हें गुंडे कहते हैं। डैडी तुम काम क्यों नहीं करते डैडी? मुझे माफ कर दो लक्ष्मी, मुझसे बड़ी भूल हुई। भूल तो मुझसे हुई जो मैंने तुम्हारा कहा ना माना, मगर अब तो बांके लाल के आए बिना मनोरक्षा नहीं हो सकता। तुम जाओ और उसे यहाँ ले आओ। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, हरगिज नहीं जाऊंगी। तो मैं जाऊंगी, ये बच्चे की जिंदगी का सवाल है। ठहरो तारा। दिल का दुश्मन अब कोई दिल के सिवा बाकी नहीं। बलमा के रसिया बांके सबरिया, बलमा के रसिया बांके सबरिया, ये जाए पिए जा पिए जा जिए जा पिए जा। चल हट। दादो तू समझता मैं शराब पी रहा हूं? शराब? गलत, बिल्कुल गलत। दादो मैं गम पी रहा हूं। गम? गम? किसका गम? बलमा का? तब तो बहुत मीठा होगा, थोड़ा सा हमें भी दे दो ना। दादू तू ले ले। छोड़ दो मुझे चंदू, छोड़ दो। उस्ताद उठो। मैं दादू को जान से मार डालूंगा। चंदू उस्ताद। दादू उस्ताद। दादू से टकराने आया था, किस्मत अच्छी थी कि तेरा साथी आ गया, वरना परलोक पहुंचा देता। तुम मारे इसको चंदू। क्या समझता मुझे दादू ने नहीं मारा, मुझे शराब ने मारा। शराब ने कुंजा। छोड़ दो चंदू, मुझे छोड़ दो। उस्ताद। ओ, बलमा तुम यहाँ आई है शराब पीने के लिए? पियो बलमा पियो, बड़ा मजा आता है पीने में। शराब आदमी कोई नहीं गम को भी पी जाती है बलमा, गम को। अरे तू क्यों मेरे पीछे पड़ गया चंदू? चल चलो घर चले। उस्ताद चल आप बैठ जाइए ऊपर। चलो अरे कल जिसकी दहशत से जमाना झुकता था, आज दो कोड़ी के बदमाश ने इसका सर झुका दिया। वाह रे शराब वाह। उस औरत का क्या होगा जिसकी जिंदगी का चराग किसी की मोहब्बत से रोशन है? क्या फर्क पड़ता है बलमा, कोई चराग जलता है और कोई बुझता है। चंदू
ले चलो, मैं अपने घर ले चलूं। ओके, घर कहाँ ले जाते चंदू मुझे? दादू को मैं जान से मार डालूंगा चंदू। जा रहे हो? ए, मुन्ना सेठ को मिलने जा रहा हूँ। बहुत दिन से देखा नहीं, मेरा दिल भराया है इसलिए। तुम उससे नहीं मिल सकते। क्यों? वो बहुत बीमार है। बीमार है? हाँ, न खाता है न सोता है, बुखार की बेहोशी में सिर्फ तुम्हारे मालिक को ही पुकार रहा है। ये बात है, इसी को कहते हैं प्यार। उस्ताद ने तमाचा तो मारा जरूर, पर उनके दिल पर भी ठेस आई है। तो जाओ, तुम कैसे भी करके बांकीलाल को यहाँ ले आओ, भगवान तुम्हारा भला करेगा। मत घबराइए, उस्ताद को जरूर ले आऊंगा। बलमा, तू क्यों मेरे लिए इतना परेशान होती है? और कौन होगा? बलमा, उस्ताद, क्यों बे, तू यहां क्यों आया है? तुम्हें ले जाने आया हूं मुन्ना सेठ के पास। मुन्ने के पास? हां। चंदू, तेरी शामत आई है क्या? उस्ताद मेरी बात सुनो, चल हट। बड़ा आया मुन्ने के पास ले जाने वाला। हरगिज़ नहीं जाऊंगा। उसने मुझे सबके सामने गुंडा कहा है। गुंडा? ठीक ही तो कहा है मुन्ने ने। कल जब तुझसे मिलेगा तो नाचने वाली कहेगा। ठीक ही तो कहेगा। अगर इसी तरह बर्ताव करना था तो उसे अपनाया क्यों? बड़ा पाप किया है मैंने। पाप किया नहीं, पाप कर रहे हो। चलो अच्छा हुआ, हमेशा कहा करते थे आज हसरत पूरी हुई। ये क्या हो गया है तुम्हें? एक मासूम का दिल जीत लेने के बाद उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? तू कब से उसकी मां बनी है? जब से तुम उसके बाप बने हो। तो चली जा उसके घर। काश मैं उसके घर जा सकती। बहन, मुन्ना सेठ की तबीयत बहुत खराब है। हे भगवान, तुझे कैसे पता चला? उसकी पड़ोसन से। मुन्ना बुखार में भी तुम्हें याद करता है। भैया, किसी अच्छे डॉक्टर को वहां ले जाओ। हाँ हाँ, जाओ, जल्दी इंतजाम करो। इतनी रात गए, कौन सा डॉक्टर आएगा? तो क्या रात भर मुन्ना बगैर इलाज रहेगा? न जाने कितनी रातें ऐसी गुजर गई होंगी। देखता हूं डॉक्टर कैसे नहीं आता, लेकिन मैं कह देता हूं मुन्ने के पास मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगा। चलो चंदू। आइए चंदू। हाँ? मुन्ना कहाँ है? ना इस कमरे में है, आइए ना। ठहरो, डॉक्टर साहब को अपने साथ ले जाओ। तुम नहीं आओगे? कह दिया ना डॉक्टर साहब, जो कुछ भी खर्चा होगा मैं चुका दूंगा, बस मुन्ने को जल्द से जल्द अच्छा कर दीजिए। आइए डॉक्टर साहब, आइए डॉक्टर साहब। मुन्ना, अरे मुन्ने को क्या हो गया? बैठिए डॉक्टर साहब। मुन्ना देखो कौन आया। Thank you.
बच्चा कहीं गिर गया था, किसी ने डराया धमकाया था। ऐसी कोई बात हुई थी डॉक्टर साहब? ये नहीं, बच्चा ठीक हो जाएगा। मैं अभी आता हूं, आइए डॉक्टर। डॉक्टर साहब, मुन्ना कैसा है? बच्चे के दिल पर किसी बात का गहरा असर हुआ, मैंने इंजेक्शन दे दिया, कल सुबह आकर फिर देख जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया चंदू जी। डॉक्टर साहब को छोड़ाओ। अच्छा, और तांगा कल सुबह यहाँ ले आना। तुम नहीं आओगे? नहीं, मैं यही ठहरूंगा। डैडी तेरे पास आ गया। मुन्ने आगे खोल, मुन्ने आगे खोल। मुन्ने नहीं, मुन्ने अब मैं गुंडा नहीं रहा हूँ। मुन्ने अब मैं गुंडा नहीं रहा हूँ। मुन्ने डैडी, तेरी कसम मुन्ने, अब मैं बिल्कुल बदल गया हूँ। डैडी, मेरे अच्छे डैडी। मुन्ने, डैडी, अब तुम क्या काम करोगे? मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, तेरी खुशी के लिए जमीन और आसमान एक कर दूंगा। मुन्ने, डैडी, वो तांगा, तांगा में तुम गाते थे ना गाना, वो गाओ, कितने दिन से मैंने नहीं सुना है। फूलों से दोस्ती है, कांटों से यारी है, ऐसे मजे की प्यारी जिंदगी हमारी है। ऐसे मजे की प्यारी जिंदगी हमारी है। समझा खुशी को खुशी, गम को न गम, मौत के भी नाम से न घबराए हम। कश्ती सदा ही मझधार में उतारी है, ऐसे मजे की प्यारी जिंदगी हमारी है। फूलों से दोस्ती है, कांटों से यारी है, ऐसे मजे की प्यारी जिंदगी हमारी है।
मुन्ना सो गया है, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं मुन्ने के पास बैठूंगा। क्यों तकलीफ किया आपने? शुक्रिया। चंदू आ गया है, अब मैं चलता हूं। जवाब नहीं, खुद तो खामोश रहा लेकिन एक मासूम से मेरी जिंदगी बदल जाती। आगे तू जाने। अगर शाम को घर वापिस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन तुम समाज और कानून की नजरों में मुजरिम हो। तुम्हारे गुनाहों की सजा तुम्हें मिलनी चाहिए और वो मिलकर रहेगी। इंस्पेक्टर साहब, ये सब जानते हुए ही मैंने अपने आप को कानून के हवाले किया है। फिर भी हम तुम्हें फिलहाल अरेस्ट करना नहीं चाहते। शुक्रिया, बड़े भले आदमी है। चल चलो। लेकिन क्यों? इसलिए कि वो खौफनाक हस्ती जो तुम्हारी आड़ में रहकर अपना काम निकालती रही है, जितनी तुम्हारी नजरों से दूर है उतनी हमारी नजरों से भी, और उसको पाने के लिए हमें तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। मैं तैयार हूं। मैं भी तैयार हूं, लेकिन अब तो मैं उसके कोई काम नहीं आ सकता। इंस्पेक्टर साहब, मेरा मत बाकीलाल, तुम भूल जाते हो, तुम्हारे बगैर वो अपना कारोबार नहीं चला सकता। तुम्हारी मदद के बगैर उसकी नाजायज आमदनी दिन पर दिन घटती जाएगी। फिर वो तुम्हें अपने बस में लाने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। इसीलिए तुम्हारी आजादी उस नापाक हस्ती की गिरफ्तारी का एक तरीका है। ये तो आप जाने, लेकिन मैं तो ये फैसला कर चुका हूं कि जिस तरह भी हो सका मैं अपने गुनाहों का कफारा अदा करूंगा, और मैं भी मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरूंगा। भाई तुम क्या करोगे? मेहनत मजदूरी करेंगे, मोची बनेंगे, हजाम बनेंगे, कुली बनेंगे, धोबी। अरे हाँ, धोबी बनूंगा। अरे धोबी बनके मैं अपनी चंदा को खुश करूंगा। बस बस, अब तुम दोनों जा सकते हो। हाँ, तुम्हें हर रोज यहाँ हाजिरी देनी पड़ेगी। अजय साहब, आप क्यों घबराते हो? हम तो रोज आया करेंगे, अब तो यह हमारा घर हो गया है। चलो।
लेकिन इंस्पेक्टर साहब, जिसकी शक्ल मैंने आज तक नहीं देखी उसे पहचानूंगा कैसे? मुझे यकीन है एक ना एक दिन तुम्हारी ये मुराद जरूर पूरी होगी। नारायण नारायण। हरिओम हरिओम। जयराम जी की इंस्पेक्टर साहब। आइए सेठ जी आइए, बताइए फरमाइए आपने कैसे तकलीफ की। आप तो जानते हैं भारतीय अनाथ आश्रम के ट्रस्ट फंड का मैं भी एक मामूली सा सेवक हूँ। तो अगले महीने की 10वीं तारीख को उसकी नई इमारत का उद्घाटन होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ आपकी ओर से उस वक्त कुछ पुलिस का प्रबंध हो जाए तो। ये कौन सी बड़ी बात है सेठ जी, आप सिर्फ टेलीफोन कर देते तो काफी था। ये तो आपकी महानता है। अच्छा तो जय राम जी की। नमस्ते सेठ जी। तुलसी इस संसार में कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला और लेने को हरि नाम। नारायण नारायण। अमा कुछ होश की दवा करो, 500 रुपया मैं किस उम्मीद पर दूं? मेहनत करके पाई पाई चुका दूंगा सेठ साहब, भरोसा कीजिए। भरोसा? बांके लाल, अब तुम्हारी कीमत एक कौड़ी भी नहीं, जानते हो क्यों? अब तुम गुंडे नहीं रहे, शरीफ बन गए हो शरीफ। चले जाओ यहां से, मैं बेकार नहीं। मैं खूब जानता हूं, एक जमाना था जब तुम बेकार थे और मुझ पर भरोसा किया करते थे। आज तुम्हारी नजरों में मेरी कीमत एक कौड़ी की है, इसलिए कि मैं तुम्हारे कारोबार में शरीक नहीं होता। मगर यह मत भूलो कि एक शरीफ आदमी को गुंडा बनाने वाले तुम लोग हो। बंद कर अपनी लेक्चरबाजी, अगर जबान काबू में नहीं रखेगा तो ऐसी तराश दूंगा कि खुद ब खुद काबू में आ जाएगा। अगर मैं चाहूं तो इन्हीं हाथों से तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूं, मगर नहीं, एक शरीफ आदमी बदलकर गुंडा बन सकता है लेकिन एक गुंडा शरीफ बनकर कभी नहीं बदलेगा। मैं कहती हूं आखिर तू एक नाचने वाली है, 70 मर्तबा गंगा नहाएगी फिर भी लोग यही कहेंगे, शादी शौहर औलाद इन सब बातों से तुझे क्या मतलब? कैसे समझाऊं, जब से उन्होंने आना छोड़ दिया है जिंदगी के सब सहारे टूट चुके हैं। तो समझ ले आज से मेरा तेरा रिश्ता टूट गया है, उतार दे मेरे जेवर और निकल जा मेरे घर से। शिव 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 शिव, ये क्या जुल्म कर रही हो केसर भाई, क्या तुम उल्टे पल्टे आ जाते हो? अरे मैं ये कहने आया हूँ कि बलमा इस घर में अगर नाचना नहीं चाहती तो ना सही, हमारे स्टेज पर शराफत से प्रोग्राम तो पेश कर सकती है। अरे इस हटीली को ये भी तो मंजूर नहीं है। और अगर बांके लाल वहां मिल जाए तब भी नहीं? क्या तुम सच कह रहे हो? सच नहीं तो झूठी समझ कर मान लो। मुझे मंजूर है। हाय हाय, वारी जाऊं अपनी लाडली पर से। हाय, और मुझ पर सरिंदारी जाओगी क्या? अरे क्यों नहीं क्यों नहीं, आज जिंदगी में पहली बार तुमने कुछ करके दिखाया है। शिव शिव, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। क्यों क्या हुआ? बलमा स्टेज पर आने के लिए तैयार हो गई। गुड वेरी गुड। कितने लाए? क्या बताऊं बॉस, बलमा को मनाते मनाते पसीने पसीने हो गया हूं। पैक खोलो। जरूर जरूर, ये लीजिए ये लीजिए। ये क्या, सिर्फ 400? घबराने की कोई बात नहीं, मैं अपनी कमीशन भी छोड़ देता हूँ। ये लीजिए 20, अब पूरे 420 हो गए। मजाक छोड़ो बंसी। माफ करना जी, कमबख्त जबान काबू में नहीं रहती। क्या करूं बॉस, बांके लाल के मुकाबले में दादू तो बिल्कुल ही बोदा निकला। कुछ भी हो हमें बांके को अपने दायरे में दोबारा लाना ही होगा। मगर वो मुन्ने की दुनिया से बाहर निकले तब ना। मुन्ना? ये भी ठीक है बंसी,
तुम किसी भी तरह मुन्ने को यहां उठा लाओ। बांके की ममता ही हमारा मकसद पूरा कर सकती है। भैया जी, जाने की मिठाई दे दो। अरे मनोहर, अच्छा हुआ तू मुझे मिल गया, मैं तुझे लेने ही आया था। क्यों? तेरे डैडी तुझे बुला रहे हैं। झूठ, बिल्कुल झूठ। क्यों? मेरे डैडी तो बाहर गए हैं नौकरी ढूंढने। ओहो, ये तो मैं भूल ही गया, तेरे डैडी को बहुत बड़ी नौकरी मिल गई है। लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तो रास्ते में इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ कि उस बेचारे का सर फट गया। हाँ जल्दी ले चलो मुझे डैडी के पास। अरे मैं इसीलिए तो आया हूँ, चल मैं तुझे वहाँ पहुँचा दूँ, घबराने की कोई बात नहीं। घबराता क्यों है? ले चलो इस डैडी के बच्चे को। कहाँ? ग्रैंड होटल बॉस के पास ले जाना है। उस्ताद, उस्ताद, चंदू, उस्ताद, चंदू, मुन्ना सेठ, मुन्ना सेठ, क्या हुआ मुन्ने को? दादू उसे उठा ले गया। कहाँ? ग्रैंड होटल बास के यहाँ। ए जॉन, हाँ, वाला संभालो, पट्टी बांधो, चला। भगवान, तुझे क्या मंजूर है मैं नहीं जानता, मगर अब तो मुझे इस चाकू से ही काम देना होगा। भगवान के चरणों में अर्पण की हुई चीज वापस नहीं उठाई जाती। ये आवाज, मैं इस आवाज को कभी नहीं भूल सकता। लक्ष्मी? हाँ लक्ष्मी, मेरी जिंदगी से खेलने वाली लक्ष्मी, मुझे गुंडा बनाने वाली लक्ष्मी। नहीं नहीं, मुझे गलत मत समझो, भगवान के लिए मुझे गलत मत समझो, मैंने तुम्हें गुंडा नहीं बनाया, मैंने तुम्हें गुंडा नहीं बनाया। आज से 7 साल पहले जिस तरह मेरा हाथ पकड़कर छोड़ दिया था, इसी तरह आज भी छोड़ दे। उस वक्त किस्मत ने मजबूर किया था, आज तुम मजबूर कर रहे हो। मेरे पास तेरी राम कहानी सुनने के लिए कोई वक्त नहीं, मुन्ने की जान खतरे में है। क्या हुआ मेरे मुन्ने को? किधर है वो? बदमाश उसे उठा कर ले गए। हे भगवान! बदमाश भगवान से नहीं, चाकू से डरते हैं। अब तो ये चाकू ही फैसला करेगा। तुम्हारी मरहम पट्टी की गई, खून से भरे कपड़े बदल दिए, अब तुम आराम करो चंदू भाई। उस्ताद का है उस्ताद? तुम्हारे सामने ग्रैंड होटल, क्या बोलता है? अरे तो यहाँ बैठे बैठे क्या करते हो? उस्ताद की जान खतरे में, चलो जल्दी चलो। मैया क्या हुआ? ये सब कुछ मैं तुझे बाद में बताऊंगा, देख उस्ताद की जान खतरे में है और वो ग्रैंड होटल में गया है। लक्ष्मी, अरे तू वहाँ बैठे बैठे क्या कर रही है? शायद भगवान ने ये तेरे लिए इश्तेहार मेरे हाथों पहुँचा दिया है। अरे रो रही है, आंसू पूरी जाल पगली, और ये देख एक बहुत बड़े धर्मवीर ने अनाथ आश्रम को 10,000 रुपए का चंदा दिया है। अरे देख तो सही, तस्वीर से ही मालूम होता है कितना बड़ा धर्मवीर है। Thank you.
कहती हूँ कि तू भी उनके पास चली जा, वो तेरी तमाम उलझनें दूर कर देंगे। सुनती है कि नहीं? अब इसके सिवा कोई चारा नहीं। कौन आ गया? जानता हूं, मैं जो कहता हूं करो। तुम बॉस हो? हाँ, बैठो। मुन्ना कहाँ है? जहां भी है ठीक है, पहले बलमा का डांस हो जाने दो, फिर तुम्हारी ये तमन्ना भी पूरी कर दूंगा।
तब अच्छी नहीं होती बांके। भगवान न करे अगर बच्चे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जीने की बात करो बांके, जीने की। तुम तो शरीफ बनने के बाद जिंदा लाश हो गए हो। मुन्ना कहाँ है? मुन्ना तुम्हें मिल सकता है एक शर्त पर। बांके, मुझे तुम्हारी उतनी ही जरूरत है जितनी कि तुम्हें मुन्ने की। मतलब? सिर्फ वादा करो कि बंसीधर के साथ मिलकर तुम मेरा काम दोबारा करोगे। क्या कहा? डबल कमीशन दूंगा। खामोश! मैं पूछता हूं मुन्ना कहां है। कितने बेताब हो रहे हो, जैसे कि मुन्ना कोई तुम्हारा ही बच्चा है। नारायण नारायण। तुम शैतान बहरूपिये, ये वही अंगूठी है जो मैंने उस दिन भी देखी थी जब दादू के साथ मेरी लड़ाई हुई थी, और तुम अहिंसा का सबक देने मुझे आए थे। खामोश कमीना। ठहरो दादू, चलो जल्दी जल्दी आओ, उतरो। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय लक्ष्मी।
क्यों आई है? मैं आपसे मिलने आई हूँ। 7 साल घर से बाहर रहने के बाद आज मुझसे मिलने आई है? तो और क्या करती? बच्चे का बाप बनने के बाद भी आप अपनी बहरूपिया जिंदगी से बाज ना आए तो मजबूरन मुझे घर छोड़कर जाना पड़ा। खूब निभाया पत्नी धर्म तुमने। मैं एक माँ का फर्ज निभा रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि बच्चा बाप की सोबत में पलकर जवान हो। झूठ! कैसा तुम? तू इसलिए भाग गई थी कि तुझे मुझसे नहीं बल्कि मोहन से मोहब्बत थी। वो तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन मेरे बाप ने मेरे हाथ पीले कर दिए। मुझे तेरी सफाई की कोई जरूरत नहीं। तूने भी मेरा भेद जान लिया है। अब तेरा जिंदा रहना मेरे लिए खतरनाक है। तू क्या पकड़ाया मेरे को? बाकी के और लोग ये सब यहाँ मौजूद है? धोबी के कथड़ी में बंधे हुए। ये रहा नंबर वन, ये रहा नंबर टू। खबरदार, हिलो मत। वही कहा तुम इन सबको चौकी ले जाओ। बहुत अच्छा, चलो मेरे साथ। चलिए चलो, पकड़ो। बलमा, इसी ने तो मुझे टेलीफोन किया था। बलमा, 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 तुम्हें क्या हो गया? बॉस ने मुझे मारा और मैं बेहोश हो गई। किधर गया वो? यही कहीं से भाग गया। नहीं, नहीं। भगवान के लिए हाथ रोक लो, इन्हें मत मारो। क्यों? तुम इस जलील की जान बचाना चाहती हो जो मुन्ने की जान का दुश्मन है? दुश्मन नहीं, ये मुन्ने के बाप है। ये क्या कहती हो लक्ष्मी? तैयारी है तो वहीं रुक जाओ। मैंने जबान दी है, मैं तुझे पुलिस के हवाले करके ही रहूंगा। मैं तुझे पुलिस तक जाने ही नहीं दूंगा। मैं नहीं जानता था कि मैं जिसको उठाकर ले गया वो मेरा ही बेटा है। वादा करो लक्ष्मी कि मेरे बेटे पर मेरा राज न खुले पाए। हे कृष्ण गोविंद मुरारे, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण, तू ही मोक्ष दाता, तू ही दारे। इंस्पेक्टर साहब, अब मेरा काम पूरा हो गया। इंस्पेक्टर साहब। हाँ बाकीलाल, जैसा कि मैंने कहा था, तुम्हें और तुम्हारे साथियों को तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलकर ही रहेगी, लेकिन तुमने कानून की मदद की है, इसलिए अदालत से मैं रहम की दरखास्त करूंगा। जी डैडी।
क्यों बे, तू यहाँ भी टॉप पड़ा? सिर्फ मैं नहीं, मम्मी भी। अब तो तुम्हें मम्मी के साथ हमेशा के लिए रहना पड़ेगा। चुप, शरीफ कहेगा। लक्ष्मी, मुन्ने की बात सुन ली? अब मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। पगली, मूर्ति को बदनाम करने से उसकी पवित्रता नहीं जाती। हाँ लक्ष्मी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मोहन, और फिर मुन्ना भी तो मुझे अपना डैडी ही समझता है। क्या हाल है मुन्ना सेठ? ठीक हूँ। क्यों चंदू भाई, क्या खबर है? खबर बहुत खराब है। सरकारी जेल से निकलने के बाद संसार की जेल में फंस गया उस्ताद। मैं तो कुछ भी नहीं समझा। अरे अपने चाची से पूछ। हो हो, अभी समझा। बेताली बेताली। मुन्ना सेठ, अब मजा आएगा जिंदगी का शादी के बाद। फूलों से दोस्ती है, कांटों से यारी है, ऐसे मजे की प्यारे जिंदगी हमारी है।